नमस्कार, मैं हूं अभय निगम और आप देख रहे हैं बीपी गंगा का डिजिटल बुलेटिन। बांदा में इस समय सबसे बड़ी खबर कोविड वैक्सीनेशन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से कोविशील्ड वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से वैक्सीनेशन का कार्य रुका हुआ था और टीकाकरण में प्रिकॉशन डोज लेने जाने वाले लोगों को वापस लौटना पड़ रहा था, लेकिन अब प्रशासन ने 14,000 कोविशील्ड वैक्सीन की खेप फिर से भेज दी है, जिसके बाद आज से सभी टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन उपलब्ध रहेगी और लोगों को मायूस होकर टीकाकरण केंद्रों से अब वापस नहीं लौटना पड़ेगा। बांदा से दूसरी खबर की बात करें तो नरैनी क्षेत्र के निढुआ गांव से आ रही है, जहां एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा रखा था। इस पागल कुत्ते ने पिछले 24 घंटे में 3 बच्चों सहित 8 लोगों को काट लिया, जिन्हें अस्पताल जाना पड़ा और एंटी रेबीज का टीका लगाना पड़ा। इसके बाद कुत्ते से भयभीत और आतंकित लोगों ने मजबूरन एकत्रित होकर लाठी डंडों से पीट पीट कर कुत्ते को मार डाला। तीसरी बड़ी खबर की बात करें बांदा से तो मंडल कारागार से आ रही है, जहां केदारनाथ नाम के एक 70 वर्षीय कैदी की पैरालिसिस अटैक की वजह से मौत हो गई है। ये कैदी 2022 से बांदा मंडल कारागार में हत्या की सज़ा काट रहा था और चित्रकूट जनपद का रहने वाला था। अचानक इसकी तबीयत खराब होने के बाद जेल प्रशासन ने इसको ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इसका परीक्षण करने के बाद इसको मृत घोषित कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।